जीवामृत की टैंक्स है और इसमें जीवामृत बनता है। जीवामृत में गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और जमीन जहाँ पे इसको जीवामृत यूज करते हैं उसकी थोड़ी मिट्टी इसमें एक मुट्ठी भर के डालते हैं और इसको 48 आवर ऑक्सीजनेट करते हैं, मतलब दिन में 3 बार इसको मिक्स किया जाता है। हाँ, इसको ये चयन के लिए है ना, तो चयन करते हैं दिन में 3 बार, 48 घंटे में 1 बार इसको फ्लश करते हैं। हमने नीचे टैंक बनाया है तो इसके अंदर ही हम उसको खाली करते हैं। यहाँ से पंप से अंदर जो ऑटोमाइजेशन रूम है वहाँ पे टैंक्स है, उस टैंक्स में वो भरा जाता है और पानी के साथ में वो मिक्स होके पूरे प्लांट्स को खेत में जहाँ भी देना हो दिया जाता है। अब क्योंकि प्लॉट एरिया बड़ा है तो हमारे पास 15 जीवामृत की टैंक्स है, तो 15 टैंक को अंदर 3 बार दिन में उसको मूव करना लॉट ऑफ मैन पावर लगता है, तो हमने उसको ऑटोमाइज कर दिया है। इसमें ब्लोअर पंप लगाए हुए हैं, ब्लोअर पंप 10 मिनट के लिए चालू करते हैं दिन में 3 बार, तो वो जो उसको मूव करना है, ऑक्सीजनेट करना है, वो ब्लोअर पंप से हो जाता है। सेकेंड टाइम 48 घंटे के बाद उसके अंदर जो स्लरी बचती है गोबर की, बेसन की और बाकी की चीज़, उसमें उतना ही पानी मिक्स करते हैं। फिर 24 घंटे के बाद एक बार फिर जीवामृत निकलता है, तीसरी बार फिर से एक बार उसको खाली करके फिर से पानी भरा जाता है और फिर 24 घंटे बाद फिर जीवामृत निकलता है। मतलब उसी 200 लीटर के ड्रम के अंदर जो 10 किलो गोबर, 5 लीटर जीवामृत गौमूत्र, 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन डालते हैं, तो ये 1000 लीटर की टैंक्स है। प्रोपोर्शनेटली उतना गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन डाला जाता है, मतलब उसी क्वांटिटी में 3 बार आप जीवामृत निकाला जाता है। फिर इसमें जो स्लरी बचती है उसको फ्लड पंप के जरिए, वहाँ पे घन जीवामृत जहाँ हम बनाते हैं, फ्लड पंप के जरिए उस स्लरी को घन जीवामृत पे डाल देते हैं। मतलब मैन पावर आप देख सकते हैं कि एक ही आदमी जीवामृत बना सकता है, एक ही आदमी फ्लड पंप चला सकता है, एक ही आदमी पूरा ऑटोमाइजेशन सेंटर चला सकता है। इस तरह से इसको ऑटोमाइज किया गया है।